नॉर्थ दिल्ली के बुराड़ी इलाके में रेवेन्यू के अधिकारी दिमाकेशन के लिए पहुंचे हैं। वहीं कोर्ट के आदेश पर झड़ौता पार्ट टू में दिमाकेशन की कार्रवाई शुरू की गई है। इलाके में भारी पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। झड़ौता पार्ट टू के लोगों ने के मकानों पर डिमोलिशन का खतरा मंडरा रहा है। बता दें कि दिमाकेशन की कार्रवाई से लोगों में काफी गुस्सा भी है। बुराड़ी के झरोदा इलाके में कुछ दिनों पहले करीब 17 बीघा जमीन पर डीमार्केशन के उच्च न्यायालय के ऑर्डर जारी हुए और अपने ऑर्डर्स को झरोदा पार्ट टू की कुछ मकानों में लगाए गए, जिसके बाद स्थानीय लोग बेहद ही चिंतित दिखे। लेकिन आज सुबह दिन निकलते ही झरोदा पार्ट टू में दिल्ली पुलिस और CISF की एक टुकड़ी पहुंची। इसके बाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारी डीमार्केशन करने वाली मशीन लेकर पहुंचे। झरोदा पार्ट टू की गली नंबर 1, 2, 3 में डीमार्केशन की प्रक्रिया शुरू की गई, जिस प्रक्रिया ने लोगों की चिंताओं को बढ़ा दिया। जानकारी के मुताबिक बताया गया कि जमीन किसी पाकिस्तान से आए एक परिवार की है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में कुछ जमीनें सरकार द्वारा अलॉट की गई थी। जमींदार के यहाँ न होने के चलते जमीन पर कुछ कॉलोनाइजर ने प्लॉटिंग की और झरोदा गाँव व कॉलोनी बसा दी। जमींदार ने अपनी जमीन वापस पाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। काफी वर्ष बीतने के बाद मामला उच्च न्यायालय में पहुंचा, जहां से उच्च न्यायालय की तरफ से रेवेन्यू डिपार्टमेंट को ऑर्डर किए गए कि झड़ोदा इलाके की डीमार्केशन कर उसकी रिपोर्ट उच्च न्यायालय में सबमिट की जाए। उसी प्रक्रिया पर आज रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारी झड़ोदा पार्ट टू की कुछ गलियों में डीमार्केशन करने पहुंचे। यहाँ पे जो है सबसे बड़ा समस्या क्या है, लोगों ने एक एक पैसा जोड़ करके तो घर बनाया और घर बनाने के साथ साथ अब लोगों पे कुछ है नहीं रखने के लिए, ना खाने के लिए, खाने के लिए भी है ना कोई रोजगार है और सब बेरोजगार बैठे हैं लोग। और घर को जो है जिस तरह से अब तक कहाँ जी सरकार, अब तक कहाँ जी सरकार, जो 40-50 साल आ गया लोग बसे हुए हैं, ये कहाँ गए सब लोग। इस टाइम तो जो है सबको बेच दिया, रजिस्ट्री कर दिया। खुद का दो पुश्त चल रही है, हमारे छोटे छोटे बच्चे थे उनके भी छोटे छोटे बच्चे हो गए, दूसरी पुश्त हमारी चल रही है, कहाँ जाएंगे बताओ। अभी आप लोगों को क्या मालूम क्या हुआ है? हमारे लोग को मालूम जब चला कि ऐसे हो रहा है तो भैया नोटिस आई, फिर उस पे हम लोग दौड़ रहे हैं, धूप रहे हैं, कोई कहीं की सुनवाई नहीं। प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा की जाने वाली इस डीमार्केशन को लेकर स्थानीय लोग बेहद नाराज हैं और आक्रोशित भी। उनका कहना है कि जब जमीन उन्होंने खरीदी तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के माध्यम से ही GPA पावर ऑफ अटॉर्नी रजिस्टर्ड कराई गई, वहीं बिजली पानी और सड़क तमाम तरह की मूलभूत सुविधाएं यहां सरकार मुहैया करवा रही है। जानकारी के मुताबिक कॉलोनी करीब 50 साल पुरानी है, जिसमें कई पीढ़ियां लोगों की बीत चुकी हैं। लोगों ने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी यहां लगाई है, अपने आशियाने बनाए हैं, अब आशियाने छिन जाने का डर लोगों को सताने लगा है, जिस वजह से स्थानीय लोग बेहद चिंतित हैं। जब से बिजली का बिल पास करवाया, मीटर लगवाया, पानी का बिल लगवाया, सब कुछ करवाया, कानून से करवाया ना, कोई धोखाधड़ी से तो करा हमने, जब से सरकार का आते कि भाई इस पे क्या चल रही है, कोई नोटिस लगा देते हैं, नोटिस क्यों नहीं लगाया ना कर, नोटिस लगा तक भी चला बिकी हुई है जमीन, और सरकार वो जमीन दे जिसकी ऐसे कैसे जमीन दे देगा, पागल लेके जा रहे हैं, अरे वो वोट लगाता है ना, अपना वोट लगाता है पर क्यों पास कर इसलिए, कोई ना क्या कहे सरकार, हमें जमीन चाहिए, हमें या तो इसमें उसका जिसकी जमीन है उसे और कहीं पे जमीन जाकर हम ऐसे नहीं जाएंगे फलनी करके। रामदेव जी कब से रह रहे हैं आप लोग यहां पे? 40-45 साल हो गए रहते हुए, और जो अपने यहाँ से भी जो भी हा वो सब यहाँ लगा दिया, अब देख बात के लिए अब यहाँ से जब सरकार भगा रही है तो अब हम कहाँ जाएंगे, रोड पे थोड़ी ना परिवार क्या करेंगे हम, हमारे बच्चे बर्बाद ना हो गए, हमारा तो जीवन चलो बीत रहा है, हमारा तो शुगर उगर है, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, अब ये खरीद पाएंगे, यहाँ तो बहुत महंगी हो रही है, कौन खरीद पाएगा आज क्या? ये तो खाना में वो आई हुई है, फोर्स आई हुई है, ये तो फोर्स आई हुई है, क्या लोग बोल ना पाए उनके सामने, फोर्स के सामने। फिलहाल झड़ोदा पार्ट टू के लोगों को बेघर होने का डर सता रहा है। यहाँ के लोगों का कहना है कि यदि सरकार को जमीन देनी ही है तो याचिकाकर्ता को कहीं और दी जाए। यहाँ पर अब हजारों लोग घरों में रह रहे हैं, ज्यादातर यहाँ पर गरीब तबके के लोग रहते हैं। फिलहाल डीमार्केशन के बाद आगे की प्रक्रिया क्या होगी ये अभी किसी को नहीं पता, लेकिन डीमार्केशन ने झड़ोदा वासियों की चिंताओं को जरूर बढ़ा दिया है। हर्षित मिश्रा, टोटल न्यूज, दिल्ली।